भारत आने का ये सही समय, वैश्विक सेमीकंडक्टर नेताओं से बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि सेमीकंडक्टर विनिर्माण के लिए भारत में आना सही समय और स्थान है, क्योंकि ये देश वैश्विक खिलाड़ियों के लिए एक एकीकृत पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करता है, साथ ही व्यापार करने में आसानी और एक बड़ा प्रतिभा पूल भी प्रदान करता है। ग्रेटर नोएडा में आयोजित सेमीकॉन इंडिया 2024 कार्यक्रम में प्रमुख उद्योग हितधारकों की उपस्थिति में खचाखच भरे सदन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत में चिप्स की कीमतें कभी कम नहीं होती और आप हमारी विकास कहानी पर दांव लगा सकते हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल की बड़ी मुश्किलें, सीबीआई मामले में कोर्ट ने 25 सितंबर तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई मामले में राहत मिलती नहीं दिख रही है। राज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत को 25 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। राज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाते हुए यह आदेश दिया कि उन्हें 25 सितंबर तक हिरासत में रखा जाएगा। इस फैसले के बाद केजरीवाल को अब और अधिक समय तक जेल में रहना होगा और उनकी कानूनी लड़ाई जारी रहेगी। अभी कुछ और दिन भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना, आईएमडी ने किया अलर्ट। मौसम विभाग ने राजस्थान के कई इलाकों में भारी व अति भारी बारिश का सिलसिला अभी कुछ दिन जारी रहने का अनुमान जताया है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार एक कम दबाव का क्षेत्र आज फिर अवदाब डिप्रेशन बन गया है और फिलहाल उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर बना हुआ है। आगामी 24 घंटे में इसके उत्तर पश्चिम दिशा में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर आगे बढ़ने का प्रबल अनुमान है। भारी बारिश से हालात बिगड़े, बांध सुजारा बांध के सभी 12 गेट खुले। बक्सवाहा में बाढ़ की स्थिति। मध्य प्रदेश के छतरपुर एवं टीकमगढ़ में लगातार तेज बारिश हो रही है, इससे दोनों जिलों की सीमा पर बना बांध सुजारा बांध का जलस्तर बढ़ जाने के कारण एवं कैचमेंट एरिया में भारी बारिश की वजह से धसान नदी में पानी की आवक बहुत तेजी से बढ़ रही है। बांध की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए आज करीब 8:30 बजे बांध के सभी 1.50 गेट खोलकर दिए गए हैं। नदी में लगभग 2000 से 2500 क्यूमेक्स पानी सुरक्षित रूप से छोड़ दिया गया है।